नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बिहार की 25 खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। सीएम नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में ईद उल अजहा के मौके पर दी बधाई। पटना के गांधी मैदान में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। नीतीश कुमार ने कहा, खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना ही इस त्यौहार का उद्देश्य है। उन्होंने इस त्यौहार के लिए बधाई दी। इस अवसर पर डीएम रवि भी मौजूद रहे और मुसलमान भाइयों को बधाई दी। प्रियंका गांधी को ज्यादा दर्द है तो बिहार आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी को बिहार के बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द को बांटने को कहा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र से ज्यादा लोग बिहार में मर रहे हैं। सोनभद्र मसले पर हो रही राजनीति पर उन्होंने ऐसा कहा। रोहतास में सामने आया 44 करोड़ के घपले का मामला। रोहतास में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए हर घर नल का जल योजना कार्यक्रम में 44 करोड़ के घपले की बात सामने आई है, जिसमें 20 मुखिया, 20 पंचायत सचिव तथा वार्ड क्रियान्वयन समिति को दोषी पाया गया है। बाढ़ राहत के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। कटिहार जिले में बाढ़ से राहत के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने पानी में लेटकर अनोखे तरीके से विरोध दर्शाया। अगले 7 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दक्षिणी बिहार में और मंगलवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 48 घंटे में से 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। अगले दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। पटना में ई रिक्शा के संचालन पर लगेगी रोक। पटना में 2 साल पहले ई रिक्शा संचालित करने के लिए 16 मार्ग का निर्धारण किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता और सड़क पर काफी जाम लग जाता है। इससे बचाव के लिए ई रिक्शा संचालन पर रोक लग सकती है। मुजफ्फरपुर के मुसलमानों ने पेश की प्रेम और सौहार्द की मिसाल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के छाता बाजार स्थित 37 मुस्लिम परिवार ने अंतिम सोमवार होने की वजह से 13 अगस्त को बकरीद मनाने का फैसला लिया है। हिंदू के लिए अंतिम सोमवार है, वहीं मुसलमानों के लिए बकरीद है। उन्होंने उदार दिल से प्रेम और सौहार्द का परिचय दिया है, जो प्रशंसनीय है। हटाए गए पुलिस अफसरों को वापस कुर्सी देने के लिए हो सकती है समीक्षा। नीतीश कुमार के आदेश पर कुर्सी से हटाए गए पुलिस अफसरों में से बेहतर सर्विस रिकॉर्ड वाले पुलिस अफसर को मेन सिस्टम में वापस लाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा नीति निर्धारण किया जा रहा है। सांसद गिरिराज सिंह ने श्रावणी मेले समारोह में कहा, रविवार को मुंगेर राजघाट के गंगा तट पर आयोजित श्रावणी मेले के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की पहचान हिंदू धर्म से है। हमारा धर्म बचेगा तभी संस्कृति बचेगी। सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा, कांग्रेस पार्टी में केवल अंतरिम लोकतंत्र ही बची है। हाल में उन्होंने गांधी परिवार पर प्रहार करते हुए कहा कि एक विफल गांधी का इस्तीफा स्वीकारने में पार्टी को 2.5 महीने लग गए, और फिर पार्टी ने सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष चुना, जबकि गैर गांधी को अध्यक्ष चुनने की बात सामने आई थी। महिलाओं ने कहा, क्या यही है हमारा सम्मान। रविवार को जमुई में जेडीयू के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं भाग लेने के लिए आई थीं। पुरुष बैठे थे, लेकिन उन्हें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। इस पर वे भड़क गई और नेताओं से कहा, क्या यही है महिलाओं का सम्मान। कश्मीरियों को मिलेगा अब लैपटॉप। रविवार को सुषमा स्वराज और सांसद रामचंद्र पासवान के सम्मान में श्रद्धांजलि देने आए चिराग पासवान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कागज, कलम और लैपटॉप मिलेंगे। यह देश हित में अच्छा फैसला साबित होगा। अश्विनी चौबे को अफसोस है डॉक्टर न बनने का। पटना के एक निजी अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्हें डॉक्टर न बन पाने का मलाल है। उनके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। कन्या उत्थान योजना के लिए मुहैया कराई गई वेबसाइट। कन्या उत्थान योजना स्नातक और स्कॉलरशिप योजना के लिए ekalyan.bih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी मुहैया कराई गई है। IAS वेबसाइट पर ऑनलाइन फेलोशिप कन्या उत्थान योजना भी ऑफर की गई है। आर्टिकल 370 पर बनी शॉर्ट फिल्म। बिहार के बांका जिले के रहने वाले टीवी कलाकार 40 वर्षीय प्रशांत ज्योतिर्य ने कश्मीर के हालिया स्थिति और अनुच्छेद 370 पर शॉर्ट फिल्म बनाई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों द्वारा इसकी काफी सराहना की जा रही है। पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। पुलिस विभाग के 7 वीरों को 15 अगस्त को नीतीश कुमार वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, जिसमें उन्हें 51,000 की राशि देकर पुरस्कृत किए जाएंगे। शामिल नाम है बैजनाथ कुमार, संतोष कुमार, विकास कुमार, अमरेंद्र कुमार, देवराज इंद्र, ये सभी पटना से हैं। मोहम्मद मुश्ताक और पंकज कुमार नालंदा से।
शिक्षक पात्रता परीक्षा की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की तैयारी शुरू कर ली है। इस साल होने वाली परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। इसके लिए एजेंसी की तलाश जारी है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। CCL के लिए मिली मंजूरी। भारतीय सैनिकों के लिए एक खुशखबरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगल पुरुष सैन्य कर्मियों को बच्चों की देखभाल छुट्टी के लिए CCL को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महिला अधिकारियों को भी CCL के मामले में छूट को मंजूरी दे दी गई है। बिहार बोर्ड ने जारी की परीक्षा टाइम टेबल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2020 में होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षा की टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in को खोलकर टाइम टेबल डाउनलोड किया जा सकता है। अक्षरा सिंह का जादू छाया है टिकटॉक पर। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का जादू न केवल फिल्मों में छाया है बल्कि टिकटॉक पर भी उन्हें खूब सुर्खियां मिल रही हैं। उनकी एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वे मगन होकर डांस करती दिख रही हैं। उनकी अदाओं को खूब सराहा जा रहा है। अनुच्छेद 370 पर बना गाना हो रहा है वायरल। भोजपुरी इंडस्ट्री में गुंजन सिंह का एक बनाया गया गाना काफी वायरल हो रहा है। ले लेवे जम्मू कश्मीर में जमीन काफी कहर बरसा रहा है और यूट्यूब पर काफी ट्रेंड में है। इस गाना को 17 लाख से ज्यादा व्यू मिले हैं। बिहार विधान परिषद में होने वाली है भर्ती। बिहार विधान परिषद में विभिन्न पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं आखिरी तारीख 8 सितंबर तक दी गई है। www.biharvidhanparishad.gov.in पर जरूरी जानकारी देख सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी से बाहर हुई सुपरहिट एक्ट्रेस रानी चटर्जी। भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस रानी चटर्जी खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 से बाहर हो गई हैं। यह शो बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद टीवी पर आएगा। आपको बता दें खतरों के खिलाड़ी में खतरनाक स्टंट होते हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में होगी बारिश। औरंगाबाद गया नालंदा राजगीर में बीच बीच में बारिश होगी। वहीं भागलपुर मधेपुरा मोतिहारी मुजफ्फरपुर पटना पूर्णिया सुपौल छपरा और फविसगंज में बारिश और गर्जना होने की संभावना है। बिहार में दोबारा अपराध करने पर नहीं मिलेगी जमानत। आदतन अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस उनकी जमानत कराने की मुहिम आरंभ करेगी। इसके लिए जिलों में पुलिस अधिकारियों का एक समूह होगा। जिला पुलिस में इसको विधि शाखा कहा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।